अच्छा सुरेश, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और हमारी दोस्ती हुई थी तो हमने लेमन सोडा पिया था? मुझे अच्छे से याद है। मैं तुम्हें होटल लेके जाना चाहता था और तुमने पैसे ना खर्चने का इतना बड़ा लेक्चर दिया था। अब कोई लेक्चर नहीं दूं, तुम्हें जहां लेके जाना है तुम ले जाओ। क्या हुआ, हाथ पकड़ने वाले थे? नहीं, वो ऐसे। कोई बात नहीं, तुम हाथ पकड़ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए। अच्छा, वहां पर तो बड़े मजरूह बन रहे थे और यहाँ तुम्हें हाथ पकड़ने की शर्म आ रही है? अगर ऐसा तो फिर हाथ क्यों पकड़ो, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सुरेश ड्राइवर, तुम कुछ ज्यादा ही तेज गाड़ी नहीं चला रहे। कल हम मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा प्यार कल के लिए भी तो होना चाहिए। सुनो, मैं कल का इंतजार करूंगा। I love you. लड्डू गोपाल, ये बिट्टू की शादी की पत्रिका है। शगुन की पहली पत्रिका मैं आपके और माँ के सामने रख रही हूँ। अब आप दोनों बिट्टू और विधान को आशीर्वाद देना कि इनकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। तू पीछे क्यों खड़ी है, इधर आके लड्डू गोपाल और माँ का आशीर्वाद ले। क्या कर रही है, मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रही है? लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़। लड्डू गोपाल को भी पता है कि मेरे लिए सबसे पहले आप हो। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। लड्डू गोपाल, इसे माफ कर देना। जब से इसकी शादी तय हुई है ना, ये पागल ही हो गई है। अच्छा हाँ, आशीर्वाद ले। माँ, आज मैं बिट्टू के ससुराल जा रही हूँ, उसकी सास को पीली चिट्ठी देनी है। अब सारी रस्में शुरू होने वाली, आप अपना आशीर्वाद बना के रखना बस। अब तो यहाँ खड़ी खड़ी हंसती रहेगी या शगुन की थाली भी लेके आएगी। जल्दी जा, बाद में तेरे ससुराल भी जाना है, पोल में आके सबको शादी के कार्ड भी बांटने हैं, इतना सारा काम बाकी है। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अब शादी की बात हो रही है तो मन में ज्यादा ही लड्डू फूट रहे हैं तेरे, है ना? छेड़ लो जीजी माँ, जब आपकी शादी की बात होगी ना तब देखूंगी मैं कि आपकी गालों का रंग कितना लाल होता है। माँ, अब लड्डू गोपाल से कहो ना कि जीजी माँ की भी शादी जल्दी जल्दी करवा दे। अब मैं उसे ड्राइवर बोल बोल के थक गई, अब तो उसे जीजू बुलाने का मन करता है। बिट्टू, यहाँ तो माँ के सामने कुछ भी बोल रही है। जीजी माँ माँ है, माँ के सामने तो सब चलता है ना माँ। और वैसे भी माँ को पता है कि आप दोनों के बीच में आई लव यू वाली फॉर्मेलिटी भी हो गई है। सच्ची पागल है तू, जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। वैसे माँ, सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, आपने तो देखा होगा ना उसे घर में आते जाते। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा ना? मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू। आई लव यू बाजुनी।
जब जब मुंह खुलेगा तब तब आपको उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी। 20,000 करोड़ रुपए बचाने हैं तो इतनी भरपाई तो आप कर ही सकते हैं। महेंद्र राठी, तुम्हें क्या लगता है तुम आग से खेलोगे और बिना जले बच जाओगे? तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि गिड़गिड़ाओगे अपनी मौत के लिए। क्या हो गया भैया? मां बेटे को क्या हो गया? दोनों इतने खोए खोए काओ? कौन से ख्यालों में खोए हुए भाई? कुछ नहीं, मैं विधान के शादी के बारे में सोच रही थी। अरे इसकी शादी के बारे में क्या सोचना, इसकी शादी तो समझो हो ही गई है। अगर शादी के बारे में ही सोचना है तो इसकी शादी के बारे में सोचो, अपने बड़े बेटे की। देखो आजकल कितना खोया खोया सा रहता है बेचारा। बात तो सही कह रहे हैं आप डैड। भैया खोए खोए तो रहते हो आप। आप भी एक अच्छी लड़की ढूंढ लो ना, फिर दोनों भाई साथ ही में एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। ओहो, बड़ा उतावला हो रहे तू। हाँ मैं तो उनकी शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा आइडिया है, क्या कहते हैं सुयश? मॉम। क्या मॉम? देखो तुम विधान के बड़े भाई हो, तो वैसे देखा जाए तो पहली शादी तुम्हारी होनी चाहिए। तो कर दे शादी। मॉम सब कुछ आज करना जरूरी है क्या? मैडम जी के, मैडम जी आप परेशान है कि किस कारण? फाल्गुनी की पीली चिट्ठी के कारण या उस राठी की धमकी के कारण? मैं दोनों वजह से परेशान थी शोम। थी मतलब आपने दोनों परेशानियों का हल निकाल लिया? हाँ, क्योंकि दोनों परेशानियों का हल एक ही है। मतलब एक तीर और दो निशाने? मैडम जी हल क्या है? हल खुद चल के हमारे दरवाजे तक आ रहा है शोम। नमस्ते उत्तरा जी। सुनना जी, उत्तरा देवी जी, आपने तो हमें पीली चिट्ठी दे दी थी, अब हमारी बारी। शगुन की पीली चिट्ठी देने आई हूँ मैं आपको। ये हम नहीं ले सकते फाल्गुनी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है तुम लोगों ने। याद है उस दिन डॉक्टर बजाज के सामने तुमने ये कहा कि नियति ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? उत्तरा देवी जी उस वक्त हालात वैसे थे, पर अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं फाल्गुनी, सोचो अगर शादी के बाद नियति ने वही गलती दोबारा कर दी तो रावत खानदान की इज्जत का क्या होगा? लोग तो सास को ही सौतेला कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तब तो विधान की भी हालत वैसी थी ना, वो भी तो आत्महत्या करना चाहता था। उसके लिए भी तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ना, आज भी सुनाता है वो मुझे। और अगर नियति ने भी यही किया तो मुझे तो जिंदगी भर सुनाता रहेगा। सोचो नियति अगर छत से कूद गई
तो लोग तो यही कहेंगे कि सास ने बहू को धक्का दे दिया। अगर उसने खुद को जलाया तो लोग कहेंगे कि सास ने दहेज के लिए बहू को जलाया। अगर वो पंखे से लटक गई तो लोग यही कहेंगे बेचारी बहू को सास ने इतनी तकलीफ दी कि बहू ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। थ्रा देवी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, बिट्टू ऐसा कुछ नहीं करेगी। सोचने से ख्याल नहीं बदलते फाल्गुनी। किसी इंसान को अगर आत्महत्या करने की आदत पड़ जाए ना, तो वो दोबारा भी आत्महत्या कर सकता है। क्या है ना, आत्महत्या करने वाले को बहाना चाहिए आत्महत्या करने का। पर आप ऐसा क्यों सोच रही हैं उत्तरा देवी जी? क्या हम रावत हैं? और ये रावत खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर नियति ने ऐसा कुछ किया तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी बहन की एक गलती की वजह से मेरे बच्चों पे क्या असर होगा? तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूं कि विधान और नियति के शादी के बाद तुम भी रावत मेंशन में आके रहो। कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। रावत खानदान की बड़ी बहू बनके, रावत खानदान की बड़ी बहू बनके, रावत खानदान की बड़ी बहू। वो मैं तुमसे पहले से प्यार करता था। I love you, फाल्गुनी! ये आप क्या कह रही हैं उत्तरा देवी? मैं इस घर की बहू? क्या बोल रही हैं आप? और कोई चारा ही नहीं है फाल्गुनी। मुझे एक बात बताओ, नियति इस घर में बहू बन के आ गई और यहां आने के बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसे संभालेगा कौन? मैं तो हमेशा बिजनेस के काम में बिजी रहती हूँ, उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम तो उसकी जीजी माँ हो ना। अगर तुम यहाँ रहोगी तो वो कोई गलती नहीं कर पाएगी, है ना? पर आपका बेटा मुझसे शादी क्यों करेगा? वो तो मुझे जानता भी नहीं है। तुम ये भूल रही हो फाल्गुनी कि मैं उत्तरा देवी रावत हूं। मेरा बेटा वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी। तुम अपना बोलो। पर मैं ऐसे कैसे उत्तरा देवी जी? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहती हो कि नियति इस घर की बहू बने तो तुम्हें इस घर की बड़ी बहू बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास 24 घंटे फाल्गुनी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सोच के बताओ। तुम्हारे पास 24 घंटे फाल्गुनी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। Bye.
मैडम जी के फिर की फिराई आपने, ये मारी समझ में ही नहीं आ रहा। वो छोरी फाल्गुनी आपको एक आंख न बाती, उसी छोरी को आप अपने घर में ला रहे हो, साथ में उसकी बहन भी आ रही है। ये बड़ा सा सवाल मारे छोटे से भेजे में गुलाटी खाए, प्लीज बताइए। शोम हम रावत है, हारने से पहले वार जरूर करते हैं। वो महेंद्र राठी वसीयत को हथियार बना के हमें बदनाम करना चाहता है, हमसे लड़ना चाहता है, बेवकूफ इंसान। पर मैडम जी ये बात अब तक मारे भेजे में ना घुसी कि उस वसीयत में क्या लिखा है। उस वसीयत में ये लिखा है शोम के आगे चल के रावत खानदान का पूरा कारोबार और जायदाद सुयश के बच्चों को मिलेगी, और तुम तो जानते हो सुयश मेरा बेटा जरूर है लेकिन मेरा खून नहीं है, सुयश मेरा सौतेला बेटा है। मेरा विधान मेरा खून है, इसलिए अगर किसी को कुछ मिलना चाहिए तो वो सिर्फ विधान और उसके बच्चों को। मैं किसी और को विधान का हक नहीं छीनने दूंगी। पर मैडम जी एक बात कहूं, अगर वो छोरी फाल्गुनी इस घर में बड़ी बहू बनकर आती है उसके तो नसीब खुल जाएंगे, रानी बनेगी रानी। मैं तो कहूं सुयश बाबा की शादी छोड़ो और उस राठी की लाठी को तोड़ो। नहीं शो, उस राठी को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत शातिर है वो। उसने हमारी गाड़ी में रखी बंदूक में से सारी गोलियां निकलवा दी थी, हमारे हर कदम पर उसकी नजर है। सिर्फ हम पर ही नहीं पूरे रावत खानदान पर उसकी नजर है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। उसका बाप भी हमसे नहीं डरता था। मैडम जी जिंदा रहेगा तो ही सिर मोर बनेगा ना। शोम सुयश और फाल्गुनी की शादी के बाद ही उसे हराया जा सकता है। लेकिन मैडम जी सुयश बाबा की शादी और उस महेंद्र बाहुबल मतलब महेंद्र राठी का क्या कनेक्शन? मुझे एक बात बताओ, हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि सामान सुरक्षित रहे। बस तो फिर यू समझो कि सुयश और फाल्गुनी की शादी हमारे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। पर मैडम जी वसीयत में तो ये लिखा है कि सारी जायदाद और कारोबार सुयश बाबा के बच्चों को मिलने वाली है, तो सुयश बाबा की शादी क्यों? शोम मैडम जी माफ कीजिए, मन्ने ना आपकी प्लानिंग समझ में ना आई। तुम्हारे पास दिमाग है ना? जी मैडम। लेकिन छोटा है। जी मैडम जी। ज्यादा इस्तेमाल मत करो, एक दिन फट जाएगा। बस मैं तो उस दिन की राह देख रही हूँ जिस दिन फाल्गुनी इस शादी के लिए हाँ कह देगी, और उसके बाद मैं फाल्गुनी के सामने अपनी शर्तें रखूंगी।